मेरी नजर में तो सब ठीक चल रहा है, मैं तो यही बोलूंगा भैया, अभी मेरी नजर में तो ठीक चल रहा है, सोनिया जी ठीक है, इधर कमलनाथ जी ठीक है। हुई ना, बिल्कुल मैं हुई। अभी मैंने अपने बयान में इस बात को कहा कि एक तरफ तो नौटंकी करता है कि पैर धोके किसी भी शासकीय कार्यक्रम का बच्चों का पैर धोके आरंभ करो, एक दिन की घोषणा हो गई। अभी कहता है कि 21 साल होना चाहिए बच्चों की उम्र शादी करने की, अबे 18 साल की तो संभल नहीं रही है, 15 साल की बच्ची संभल नहीं रही, उन्हें रक्षा दे नहीं पा रहा है तू, वो 21 साल की फिर भी कि मेरा नाम आ जाएगी। शिवराज ने कहा कि 21 साल होना चाहिए। सर एक क्वेश्चन ये था कि रामेश्वर शर्मा नहीं, हम ये नहीं कह रहे जब 18 साल है तो तू कौन सा बड़ा वैज्ञानिक हो गया भैया शिवराज, कौन सा बड़ा डॉक्टर हो गया तू 21 साल करने वाला। भाई डॉक्टरों की रिपोर्ट है ये बच्चियों के बारे में कि 15 साल में प्रजनन के उपयुक्त पाई जाती हैं, तो 18 साल परिपक्व हो गई बच्ची ये माना जाता है वैज्ञानिकों से, उसे रहना चाहिए। 21 साल का लॉजिक आप बता दो शिवराज की तरफ से, आप भी बता दो चलो क्या लॉजिक है 21 साल की, क्यों होना चाहिए शादी की उम्र। तेरह जनवरी को भोपाल में मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका विषय था 21 लोग मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब पी के मर गए, दूसरा था पूरे देश में चल रहा किसान आंदोलन, और तीसरा मुद्दा था श्रीमान शिवराज चौहान ने कहा कि बच्चियों की शादी की उम्र 21 साल होना चाहिए। 21 साल की उम्र पे जो मेरा बयान आया उस पर तथा कथित बीजेपी के लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक बवाल मचाने की कोशिश की। मैं इसके तथ्य आप सबको बताना चाहता हूँ कि शिवराज चौहान 21 साल क्यों करना चाहते हैं, क्या वजह है। संविधान में जब प्रदत्त है कि 18 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो, 21 साल की उम्र में लड़कों की शादी हो, और जब हमने मताधिकार दिया है 18 साल के लड़के लड़कियों को कि आप अपनी अच्छी सरकार चुनो देश की और अपने प्रदेश की, हम मान के चलते हैं कि हमारे बच्चे परिपक्व हो गए इसलिए उन्हें मताधिकार का हमने उपयोग करने की छूट दी। बात असल में ये है कि 21 साल के पीछे लॉजिक शिवराज चौहान का ये है, ये पिछले 15 साल से श्रीमान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने एक योजना चालू की थी लाडली लक्ष्मी योजना। अब वो योजना में जिनको प्रमाण पत्र दिए एक दो साल में उनको परिपक्वता आ जाएगी और 1.5-1.5 लाख रुपए इन श्रीमान जी को देना पड़ेंगे जिससे ये बचना चाहते हैं। दूसरी योजना थी कन्यादान योजना, जिसमें 18 साल की बच्ची का विवाह होता है तब इन्हें 30-35 हजार रुपए देना पड़ेंगे, तो हजारों लाखों बच्चियों को ये पैसा देने से बचना चाहते हैं, इसलिए शादी की उम्र 21 साल करने की पैरवी कर रहे हैं।